हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक पावर सप्लाई है और ये पावर सप्लाई हम यूज़ करते हैं मेनली गेमिंग पीसी में। तो इसी की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बिना स्किप करे हुए देखिए। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी जो वैल्यूएबल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ इसी टाइप की, LCD रिपेयरिंग की, पावर सप्लाई की, हैवी पावर सप्लाई हो या ब्रांडेड HP डेल की हो, तो उनकी रिपेयरिंग की भी वीडियो में डालता हूँ। लेकिन ये रिपेयर होने मेरे पास कुछ आई थी पावर सप्लाई जो आंट स्पोर्ट की और एक गेमिंग PC की हैं, तो मैंने कहा इन पे एक वीडियो डिटेल बना दूँ कि लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सी पावर सप्लाई यूज़ करूँ, उस कितनी अंदर का स्ट्रक्चर तो पता नहीं होता है कि उसमें कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ है, अच्छी क्वालिटी का हुआ है, PCB अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं है। तो मेरे पास गेमिंग की जो रिपेयर होने कई सारी ब्रांड की आती हैं, तो मैंने उसमें सबसे अच्छा इसका आंट स्पोर्ट का जो अंदर का डिज़ाइन है, PCB का कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो उनकी क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी, इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर करूं, तो जिससे थोड़ा सा आपको परचेज़ करने में कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। तो ये देखिए, तो काफ़ी हैवी पावर सप्लाई है, 1850 वाट की है ये पावर सप्लाई, और इसमें आपको बहुत सारे कनेक्टर्स मिल जाते हैं। ये देखिए, ये मेन कनेक्टर है और ये बहुत सारे 6 पिन, 8 पिन, 4 पिन के सारे कनेक्टर्स इसमें हमें मिल जाते हैं, जैसे बहुत सारे डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं अंदर मशीन के। तो अगर आप अपने PC के लिए कोई सप्लाई सर्च कर रहे हैं, कौन सी सप्लाई लगाऊं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। देखिए आंट स्पोर्ट का, इसमें अलग अलग वाटेज के अकॉर्डिंग आता है, 750 वाट, 1000 वाट, इस टाइप 1200 वाट की, तो आप अपने लोड के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए 1850 वाट का, इसका मॉडल नंबर BT1850G BT सीरीज़ का है, तो ये बहुत अच्छी पावर सप्लाई है। अब मैं इसमें दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ है, कंपोनेंट्स वगैरह, ट्रांसफार्मर वगैरह। देखिए खुली हुई सप्लाई है, निक ओपन। अब यहाँ पर देखिए इसका ट्रांसफार्मर का क्वालिटी देखिए, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्रांसफार्मर इसमें यूज़ होता है। और इधर आउटपुट के MOSFET देखिए, जो लोड के लिए यूज़ होते हैं, इधर देखिए 2 चैनल में लगे हुए हैं। और ये कैपेसिटर वगैरह भी अच्छी क्वालिटी के, कभी अगर लोड पड़ता है तो लोकल कैपेसिटर रहते हैं तो वो फुल जाते हैं, तो आपका PC लोड सप्लाई लोड नहीं लेता है PC का। तो इसमें ये कैपेसिटर इतनी अच्छी क्वालिटी की यूज होंगे, जल्दी इसमें फूलेंगे नहीं कैपेसिटर वाले। तो ये है पूरा, ये आउटपुट का सर्किट है, और ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये इनपुट है। इनपुट में भी देखिए, ये सारे डुअल चैनल में MOSFET यूज़ हुए हैं, ये देखिए। और ये है आपका फिल्टर कैपेसिटर कॉइल, देखिए एक कॉइल देखिए कितने हैवी। और इसमें कूलिंग के लिए सबसे बड़ी बात है डुअल फैन है, ये देखिए, एक ये बैक साइड में दिया हुआ है और एक ये इनपुट जिधर से हम सप्लाई इन करते हैं उधर भी एक फ़ैन है, तो कूलिंग भी बहुत अच्छी है जिससे कि ये हीट नहीं होगा। और मैं आपको इसकी खुली हुई पावर सप्लाई है तो उसकी मैं PCB की बैक साइड की भी क्वालिटी आपको दिखाता हूँ कि कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। ये मैं ऐसा इसलिए आपको दिखा पा रहा हूँ, कई सारी मेरे पास ये रिपेयर होने आई हैं, मेरे हम रिपेयर भी करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी बैक साइड से। ये देखिए इसके बैक साइड में, ये देखिए यहाँ पे आउटपुट का एक कैपेसिटर लगा हुआ है, सोल्डिंग देखिए कितनी अच्छी हुई है। और ये जो आपको इस सिल्वर टाइप की प्लेट दिख रही है, एक्चुअली में मेटल है जो हीट सिंक का काम करता है, और अगर PCB इधर बैक साइड में हीट हो रही तो थोड़ा ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे कि कंपोनेंट हीट नहीं होते हैं, तो प्रोटेक्शन हीटिंग के लिए बहुत अच्छी है इस पावर सप्लाई में। तो ये आप देख सकते हैं इधर पूरा। तो मेनली मेरा कहने का ये मतलब था कि आप अगर ये गेमिंग के लिए सप्लाई देख रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, तो आप इसमें जा सकते हैं, इस पावर सप्लाई के साथ आप अपने PC के लिए ये पावर सप्लाई लगा सकते हैं। और इसमें कुछ मैं, अगर आप रिपेयर करते हैं पावर सप्लाई वगैरह, तो मैं रिपेयरिंग की भी वीडियो बनाऊंगा इनकी, बहुत सारी तो मैंने रिपेयर करके दे दी, उनकी वीडियो नहीं डाल पाया, टाइम नहीं था, अर्जेंट थी, तो अब 1-2 3-4 सप्लाई पड़ी हैं,
तो उनकी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें जो फॉल्ट होंगे मैं आपके लिए उसको डालूंगा, तो आप वहाँ चैनल पर जाके देख सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करें होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। फ्रेंड्स से वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसके रिपेयरिंग के वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।